हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारे समक्ष डॉक्टर ईश्वर प्रसाद सिंह जी उपस्थित हैं, शिक्षा जगत से तमाम जानकारी लेकर, जैसा कि बीपीएससी हेडमास्टर का कट ऑफ क्या रहने वाला है, ई शिक्षा को संबंधित एवं बीपीएससी शिक्षकों का सैलरी बढ़ोतरी के संबंध में। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर ईश्वर प्रसाद सिंह जी से। दुर्गेश क्लासेस में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप सब चैनल पर बने रहे, अंत तक वीडियो को देखें, लाइक और शेयर जरूर करें। यही आप लोगों का आशीर्वाद दुर्गेश क्लासेस को आज पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश स्तर पर, विश्व स्तर पर एक सर्वोत्कृष्ट चैनल बना दिया है। तो आज जो हम खबर लेके आए हैं, ये सबसे ताज़ा और सबसे अच्छी खबर है। और वो खबर है कि हमारे अधिकारी जो तमिलनाडु के दौरे पर गए थे, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, उसके बाद डीपीओ भागलपुर, डीपीओ कटिहार, पूर्णिया, गया और अन्य चार निदेशक महोदय जो तमिलनाडु गए थे अध्ययन करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, वहाँ कैसे तमिलनाडु पूरे देश भर में राष्ट्रीय औसत से भी अधिक 80% साक्षरता दर हासिल किया है। वहाँ की खास बात थी कि तमिलनाडु में शिक्षकों की उपस्थिति हो या विद्यालयों का निरीक्षण हो या मध्याह्न भोजन हो, इन सबों से शिक्षकों को दूर रखा जाता है। उनकी उपस्थिति भी ऑनलाइन ही, निरीक्षण भी ऑनलाइन ही, मध्याह्न भोजन के लिए वहाँ अलग से पहला से आठवां क्लास के लिए तो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही है उनके तहत, पीएम पोषण आहार के तहत, जबकि उनके अलग से नौवां और दसवां को भी बिहार राज्य सरकार, तमिलनाडु सरकार अपनी ओर से मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करती है। और लंच ब्रेक में वहाँ प्रत्येक दिन प्रत्येक बच्चे को अंडा दिया जाता है, जो कि मुख्यमंत्री की ओर से चलाया जाता है। और उसके लिए अलग से नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के मार्फत से हर पंचायत, प्रखंड, जिला, तालुका और हर जगह व्यवस्था की जाती है। वहाँ के मॉडल का अध्ययन करके अब पदाधिकारी लौटे हैं, अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। और चार सदस्यीय जो इससे पूर्व कमेटी बनी थी स्थानांतरण, नियुक्ति, पदस्थापन और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए, उनका रिपोर्ट और तमिलनाडु से जो आठ अधिकारी लौट करके आए हैं उनका रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट को मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया जाएगा। फिर मुख्यमंत्री अंतिम न्याय निर्णय पर पहुंचेंगे। चूंकि आप लोगों को पता है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और अभी खास करके बिहार में आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, इन सब से अलग एक अलग ही जन सुराज पार्टी उभर करके आई है, जो कि युवा वर्गों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। और जिससे कि सरकार में बैठे लोग भी चाह रहे हैं कि हम अपने प्रजा को दुखी ना करें, और उसके लिए वो तय करने के लिए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम, चूँकि TRE-1 और TRE-2 में जो 2 लाख शिक्षक की बहाली हुई, उस बहाली में सबसे बड़ा गड़बड़ी ये हुआ कि शिक्षकों की पोस्टिंग उनके मेरिट कम च्वाइस के आधार पर नहीं हुआ, जिससे कि जो मेरिटोरियस टीचर थे उनके मन में कुंठाघात हो गया, कुंठाग्रसित हो गए और उनको लगा कि अगर हम अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किए भी तो क्या फ़ायदा, सुदूर गांव देहात क्षेत्र में जहां न वो अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, न अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, और उनको मजबूरी बस 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 40 से 60 किलोमीटर के बीच में प्रत्येक दिन अपने मोटरसाइकिल से, बस से, ट्रेन से दूरी तय करना पड़ता है, और 7 घंटे का स्कूल उनका 12 घंटे का स्कूल होता है, जिससे कि परिवार में एक अलगाव और दुराव की स्थिति बनी हुई है। कितने तो पति पत्नी के बीच में इतना दूरी बन गया है कि अब संबंध टूटने के कगार पर आ गया है। सरकार को भी अपने विश्वस्त सूत्रों के मामले से यह संज्ञान में आया है कि इस कटुता को कैसे दूर किया जाए, इसीलिए एक नई पॉलिसी लेकर के सरकार आने वाली है, जिसमें
तमिलनाडु मॉडल का अध्ययन करके जो अधिकारी लौटे हैं, 8 सदस्यीय टीम और 4 सदस्यीय जो कमेटी का निर्माण हुआ था उनको लेकर के दोनों रिपोर्ट को सरकार गहन अध्ययन करेगी। और सरकार कोशिश कर रही है कि हम 1 अक्टूबर 2024 से ई शिक्षा कोष पर ही वेतन दें, ताकि शिक्षकों को ई शिक्षा कोष के माध्यम से सब शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज करें, उसके बाद स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करें, पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू करें, और उसके बाद तमिलनाडु का जो सैलरी है वो कोई बिहार से ज़्यादा सैलरी नहीं है, बल्कि बिहार के लगभग बराबर ही सैलरी है। और सरकार एक बिहार जैसे बीमारू राज्य जितना सैलरी हो सकता है सरकार अपने भरसक चाह रही है कि हम सैलरी में भी कुछ इजाफा करें। और हेडमास्टर की कटअप की जहाँ तक बात है तो मान के चलिए जनरल पुरुष जो अनुमान है और जितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं लगभग 22,000 में 20,000 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं और वो 20,534 प्रखंड 101 अनुमंडल के हैं, पर अनुमंडल में लगभग 200 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। और उससे ज्ञात होता है कि अगर 200 भी अपीयर हुए हैं तो उनमें 10% तो ऐसे ज़रूर हैं जो 80 प्लस लाए हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे वो SC हो, EBC हो, BC हो, पुरुष हो, महिला हो। तो जनरल पुरुष का कटअप तो 80 से ऊपर रहेगा ही रहेगा और जनरल महिला का कटअप भी 74-75 से ऊपर ही रहेगा। और जनरल पुरुष में अगर 80 से प्लस रहता है तो EWS में वही 74-75 रहेगा, जनरल महिला में अगर 74-75 से अधिक रहता है तो EWS महिला भी 70 प्लस ही रहेगा। और रही बात BC और EBC का, तो अब BC और EBC का सीट थोड़ा घटा है, इसीलिए उसका भी जो कटअप पूर्व में बताए थे उसमें कुछ बढ़ा है। BC का कटअप भी 74-75 प्लस रहने की संभावना है, वहीं EBC का कटअप 65 प्लस रहने की संभावना है और SC का कटअप 60 प्लस रहने की संभावना है। और इसमें जो महिला वर्ग हैं उसमें 4 से 5 नंबर कम कटअप रहेगा, ये मेरा अनुमान है। और तमिलनाडु मॉडल अगर लागू होती है तो हेडमास्टर का दायित्व बढ़ जाएगा, क्योंकि अब जो सरकार सोच रही है डॉक्टर एस सिद्धार्थ कि अब हाजिरी का विकल्प, अटेंडेंस का विकल्प दो माध्यम से दिया जाएगा, एक शिक्षक स्वयं अपने मोबाइल से हाजिरी बनाएंगे और दूसरा हेडमास्टर के एडमिन, स्कूल एडमिन पर, स्कूल लॉगिन पर टीचर का अटेंडेंस हेडमास्टर स्वयं बना सकते हैं अगर टीचर से स्वयं अटेंडेंस नहीं बनता है तब। अगर टीचर कहते हैं सर्वर डाउन हो गया, इंटरनेट नहीं है, तो उसका विकल्प हेडमास्टर है। जब तक हेडमास्टर के मोबाइल से एक भी टीचर का हाजिरी बनेगा तो पूरे स्कूल का हाजिरी ऑनलाइन ही बनाना पड़ेगा। अगर हेडमास्टर के मोबाइल का भी सर्वर डाउन हो जाए, टीचर का भी डाउन हो जाए, तब वैसी परिस्थिति में आप अपने भौतिक फिजिकली उपस्थित होकर के ऑफलाइन मोड में जो हाजिरी बनाते हैं वो हाजिरी ही मान्य होगा। अब प्रत्येक प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को यह दायित्व दिया गया है कि वो अब अब्सेंटी के नाम पर नेगेटिव अब्सेंटी भेजें DPO कार्यालय, यानी किस विद्यालय के कौन से टीचर कितने दिन अनुपस्थित हैं। अब वो नेगेटिव एब्सेंटी जो भेजेंगे तो अब वो हर विद्यालय से, जैसे अभी एब्सेंटी बन के जाता है, वो बन के नहीं जाएगा बल्कि ये बन के जाएगा कि ये 3 दिन कुछ अवकाश पर थे। अगर वो किसी भी प्रकार का अवकाश अगर हेडमास्टर संबंधित शिक्षक शिक्षिका का स्वीकृत नहीं करते हैं तो उस परिस्थिति में उनका वेतन कट जाएगा। अब पाबंदी के लिए कि उपस्थिति कब तक दर्ज करने पर हमारा उपस्थिति वैध माना जाएगा, कितने देर के बाद अवैध माना जाएगा, इसके लिए कहा गया है कि अगर 1 घंटे विलंब तक हाजिरी बनाते हैं तो आधे दिन का वेतन आपका कट जाएगा। पूरे महीना में 2 दिन तक विलंब आपका चल सकता है, लेकिन 2 से 3 दिन अगर विलंब होगा तो आधे दिन का आपका वेतन कटेगा, नहीं तो आधे दिन का अवकाश आप स्वीकृत करा करके हेडमास्टर से ऑनलाइन ही। अब ऑफलाइन मोड में व्हाट्सएप पर या किसी भी मैसेज के माध्यम से या कॉल फोन के माध्यम से विशेष परिस्थिति में आपका अवकाश स्वीकृत हो सकता है, लेकिन अब सख्त हिदायत दी गई है कि आपको हर हाल में आवेदन दे करके ही अवकाश पर जाना है और अगले दिन ऑनलाइन हेडमास्टर आपके नाम के सामने लीव कंफर्म कर देंगे, जिससे कि एब्सेंटी में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगर कुल कार्य दिवस 20 दिन है और कोई 15 दिन ही आते हैं तो 5 दिन का आपको किसी न किसी प्रकार का अवकाश ही अपने प्रधानाध्यापक से स्वीकृत कराना होगा।
अब रही बात सैलरी की, तो उम्मीद की जा रही है कि चुनावी वर्ष को देखते हुए यह अनुमान किया जा रहा है कि चाहे हेडमास्टर हो, टीचर हो, जितने भी कर्मचारी हैं उनका कुछ न कुछ सैलरी ज़रूर बढ़ेगा। विशिष्ट शिक्षक हों सैलरी बढ़ेगी। अब सैलरी बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी? अभी हेडमास्टर का सैलरी है मूल वेतन 35,000 और प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 30,500 है। एक बार सोशल मीडिया पर यह वायरल हुआ कि प्रधानाध्यापक का मूल वेतन 45,000 और प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 40,500। दरअसल उस वायरल खबर में सच्चाई ये था कि सरकार को यह संज्ञान में दिया गया कि हेडमास्टर और टीचर के सैलरी का गैप कुछ कम है, लेकिन जवाबदेही हेडमास्टर का अधिक होता है, इसलिए इस गैप को थोड़ा और लंबा किया जाए ताकि लगे शिक्षा व्यवस्था में कि हेडमास्टर का जो पद है वो एक ऐसा पद है जिसमें एक टीचर और हेडमास्टर के बीच में सीनियरिटी जूनियरिटी का ख्याल रहे। तो इसी सोच करके सरकार को संज्ञान में दिया गया है। अगर सरकार चाहती है तो वो सैलरी बढ़ा देगी और बढ़ाएगी तो लगभग लगभग 10,000 का, 10 से 12,000 का टीचर और हेडमास्टर के बीच में अंतर रहने का उम्मीद है। तो आज इतना ही खबर था दुर्गेश क्लासेस की टीम में। आपको परिचय करा देते हैं, दुर्गेश क्लासेस के टीम में मुख्य अतिथि के रूप में हैं MD शमशे आजम, जो सोशल साइंस के सर्वज्ञ हैं, विद्वान हैं, विद्वत्जन हैं, और इनकी एक अलग टीम चलती है जो कि माधोपट्टी में चलती है, और इनका BPSC का क्लासेस भी चलता है, और दूसरे अधिकारी भी हैं जो आज अभी मौजूद नहीं हैं। अब जैसे ही आपको लेटेस्ट न्यूज आएगा आप लोग बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्द ही अगला वीडियो 2 से 3 दिनों में लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के निकट पहुंच जाएगा। धन्यवाद।